गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर एम इमरान सर। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर एक्सरसाइज 8.1 क्लास 12 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 12 क्लास 12 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 एक्सरसाइज 8.1 वॉल्यूम 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1-5 सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to x and the line x equal to 1 and x equal to 4 and the x axis. यानि वक्र y square equal to x, रेखाओं x equal to 1 और x equal to 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ देखिए किस तरह का होगा। सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये स्टूडेंट्स y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ है। y इक्वल टू x का ग्राफ ना, हमें y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है। y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ हमें बनाना है। तो y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ है स्टूडेंट्स बनेगा y स्क्वायर x का ग्राफ बन जाएगा स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x, ये स्टूडेंट्स ग्राफ हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x का। अब हमें एक लाइन लेना है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 पे। हम लोग दो लाइन ले लेते हैं से एक लाइन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू x पे यानी x इक्वल टू 1 पे और एक दूसरा लाइन हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू 4 पे।
ये लाइन है फ्रेंड्स x इक्वल टू 1 और ये लाइन है x इक्वल टू 4 और ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस. हमें इस एरिया को निकालना है, हमें स्टूडेंट्स ये एरिया निकालना है, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. तो इस रीजन का एरिया को स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे एरिया ए इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 4 कर्व वाई इंटू डी एक्स. यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 टू 4 वाई का वैल्यू आ जाएगा कितना देखे रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स. अब रूट अंडर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स के पावर 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/3. अब हम लोग लिमिट पुट कर लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 से लेके 4 तक. तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए कितना 2/3 1 टू 4 1 टू कितना स्टूडेंट देखिए 4. अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं अपर लिमिट में सबसे पहले 4 तो 4 के पावर 3/2 माइनस में 1 के पावर 3/2. 4 के पावर 3/2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 के पावर 3 यानी 8 और यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 तो 2/3 इंटू में 7 तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स कितना देखे 14/3 स्क्वायर यूनिट. ओके इतना स्क्वायर यूनिट तो एरिया का आंसर हो गया कितना स्टूडेंट देखे एरिया इक्वल टू 14/3 स्क्वायर यूनिट. ओके तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. ओके अब हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है स्टूडेंट देखे फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x. तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का एक ग्राफ खींच लेते हैं. ये रहा स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x का एक ग्राफ खींच लिया. उसके बाद हमें स्टूडेंट्स दो लाइन लेना है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4. हम लोग दो लाइन लेंगे x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 से टू लाइन फर्स्ट x इक्वल टू 2 एंड सेकेंड लाइन x इक्वल टू 4. दूसरा लाइन हम लोगों ने ले लिया x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस. ये रहा x एक्सिस ये रहा y एक्सिस. प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 9x x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें. तो हमें स्टूडेंट्स इस एरिया को निकालना है. तो इसका जो एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स a इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 y इंटू dx. यहाँ से स्टूडेंट्स y का वैल्यू कितना हो जाएगा देखे x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 एंड y का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 रूट एक्स इंटू डी एक्स. यहाँ से स्टूडेंट्स आपका y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 3 रूट एक्स. बट हमें स्टूडेंट्स y का कौन सा वैल्यू लेना है देखिए पॉजिटिव वैल्यू यानी कि 3 इंटू एक्स 3 इंटू रूट एक्स 3 इंटू रूट एक्स 3 इंटू रूट एक्स. तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए कितना आएगा a इक्वल टू 3 इंटू में 2/3 x के पावर 3/2 और लिमिट स्टूडेंट्स 2 टू 4. 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया 2 इंटू सबसे पहले अपर लिमिट तो 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2 2 इंटू यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल तो 2 के पावर 3 यानी 8 माइनस 2 के पावर इतना है 2 के पावर 3/2 ऐसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 2 रूट 2 कितना लिखा जा सकता है स्टूडेंट देखिए 2√2. तो यहाँ से स्टूडेंट्स एरिया का जो वैल्यू निकल के आएगा
16 माइनस का 4√2, तो 16 का वैल्यू 16 हो जाएगा माइनस का 4 का 4 एंड रूट 2 का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 1.414। जब इसकी वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस का 4 इंटू 1.414, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 10.344 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इतना स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, आप फिर से देख सकते हैं एरिया इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 4 y इंटू dx, y का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 3√x, तो 3√x इंटू dx, x क्या हो गया स्टूडेंट्स 3/2 और 2/3, 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, अपर लिमिट करेंगे 4, तो 4 से 2 टू 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 के पावर 3 यानी 8 और 2 के पावर है स्टूडेंट्स 3/2, तो 2 के पावर 3/2 यानी 8 का स्क्वायर रूट, तो 8 का स्क्वायर रूट कितना हो गया स्टूडेंट देखे 2√2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना उसमें देखे 10.344 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये रहा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का 4y का ग्राफ हो गया। अब यहां से स्टूडेंट्स y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 लेना, तो दो लाइन हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4, तो ये लाइन रहा y इक्वल टू 2 और ये लाइन रहा y इक्वल टू 4, ये रहा y इक्वल टू 2 एंड ये रहा y इक्वल टू कितना है देखे 4। इस कर्व का इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, हमें स्टूडेंट्स एंड y एक्सिस, और ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो हमें स्टूडेंट्स इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो एरिया होगा स्टूडेंट देखिए कितना हो जाएगा, एरिया a इक्वल टू हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स y इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4 x इंटू डी एक्स, यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 2√y इंटू डी, यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स dy, तो dy 2 टू 4, 2 बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 y के पावर 3/2, लिमिट हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 टू 4, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 4/3, इसकी वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले अपर यानी 4 का पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2, इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो एरिया की वैल्यू हमें नजर आएगा, देखिए 4/3, इससे वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 8 माइनस का 2√2, ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है इतना स्क्वायर यूनिट। ओके, ये रहा स्टूडेंट्स हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स, यानी दीर्घ वृत्त x स्क्वायर अपॉन 16 एंड y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग एक इलिप्स बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग कर्व बना लेते हैं, ये इलिप्स हो गया, जहाँ पे स्टूडेंट्स ये वैल्यू 4 है तो इलिप्स का हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं, इलिप्स का जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट देखिए 1,
तो ये वैल्यू हो जाएगा 4, ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 4, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू माइनस का 3। इससे घिरे हुए क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इस रीजन का एरिया पहले निकाल लेंगे, इस रीजन का एरिया निकाल लेंगे जहां पे लिमिट रखना पड़ेगा फ्रेंड्स x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, एंड इस पूरे एरिया के लिए हम लोग 4 टाइम्स कर देंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड एरिया a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a1, इसके एरिया को हम लोग मान लेते हैं कितना a1, इसे लिखा जाएगा फ्रेंड्स 4 इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, एंड यहां से फ्रेंड्स हम लोग y इंटू dx लिखेंगे, y इंटू dx। अब एरिया a हो जाएगा फ्रेंड्स, एरिया a इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू 4, y की वैल्यू यहां से कितना जाएगा फ्रेंड्स देखिए, यहां से y की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं y square upon 9 इक्वल टू 1 माइनस x square upon 16। यहां से फ्रेंड्स y की जो वैल्यू नजर आएगा वो हो जाएगा 3 upon 4 रूट अंडर 16 माइनस का x square, 16 माइनस है कितना x square, तो वैल्यू हो जाएगा 3 upon 4 रूट अंडर 16 माइनस x square इंटीग्रेशन dx। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। यहां से फ्रेंड्स एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको फॉर्मूला पे तोड़ना पड़ेगा, वी नो ए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसके लिए फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए फ्रेंड्स हम लोग इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन ए इक्वल टू हो जाएगा इसमें देखिए कितना 4 upon 3, 4 into 3 into 4, तो 4 multiplied by 4, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट्स x upon 2 इंटीग्रेशन a की जगह हो जाएगा कितना इसमें देखिए, a की जगह हो जाएगा 4 यानी 4 यानी 16 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 16 दैट इज 4 का स्क्वायर, तो a का वैल्यू आ गया 4। तो 16 सबसे पहले तो लिखेंगे 16 माइनस का x स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह एक्स अपॉन ए, ए की जगह हो जाएगा 4, और लिमिट हो जाएगा 0 टू कितना 0 टू 4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहां से आ जाएगा 3। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, जैसे 4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0, फिर प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो 4 से 4 कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1 दैट इज साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 होता है स्टूडेंट्स पाई बाई, साइन का वैल्यू 1 आता है पाई बाई 2 पे, तो यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स 8 इंटू पाई बाई 2, फिर हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का, ये तो अपर लिमिट हो गया। अब लोअर लिमिट ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, जैसे 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू भी हो जाएगा कितना स्टूडेंट देखे 0, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा वैल्यू आएगा 3 इंटू 8 इंटू पाई बाई 2, That is area equals to 4, तो 4 से 12 pi square unit, 12 pi square unit, इस question का क्या हुआ इसमें देखे, answer हो गया 12 pi square unit, okay? Okay? Students, हम लोग general formula जानते हैं area of the ellipse का, जनरल फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स, जनरल फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स, जनरल फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ इलिप्स, जनरल फार्मूला एरिया ऑफ इलिप्स का, एरिया ऑफ इलिप्स वो होता है फ्रेंड्स पाई ए इंटू बी। अब इससे जब स्टूडेंट्स एरिया निकालेंगे तो पाई की जगह पाई, ए का वैल्यू है हमारा 4,
एंड बी का वैल्यू है 3, तो हमारा आंसर आ गया कितना, देखिए फ्रेंड्स 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो जब भी फ्रेंड्स ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये इलिप्स है तो हम लोग इसमें जनरल फॉर्मूला लगाते हैं, तो एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए इंटू बी। एक जगह पे कितना रखेंगे इसमें, देखिए यहाँ से ए का वैल्यू 2 दिखाई दे रहा है एंड बी का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए बी का वैल्यू दिखाई दे रहा है 3। तो पाई ए की जगह रखेंगे स्टूडेंट्स वैल्यू 2 एंड बी की जगह वैल्यू रखेंगे 3, तो डैट इज हमारा आंसर हो गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व को फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सब क्वेश्चन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में डाउट होते हो तो आप वीडियोस को बार बार रिवाइंड करें, उसे ध्यानपूर्वक देखें, एक एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है उसके आप मेथड्स को देखें। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हो आपका उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।